हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर जेएनयू के खूंखार छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए आज 6 दिन पूरे हो गए। बड़े दुख की बात है कि छात्रों की आवाज़ को प्रशासन और सरकार दोनों ही कुचल रही है और रविंद्र सिंह भाटी और मोहन सिंह जी जेल के अंदर 6 दिन हुए है भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार भी मांगे नहीं मान रही है। और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। और 6 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद अचानक कल रविंद्र सिंह भाटी की जेल के अंदर ही तबीयत बिगड़ गई और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और उनको MDM अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के अंदर रविंद्र सिंह भाटी क्या बोले आप खुद सुनिए। अनशन का 5वां दिन है, क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, छात्र अपने जायज मांगों के लिए पिछले काफी समय से परेशान हो रहे हैं। जब उन्होंने मांग की तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ना छात्र दबेगा और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा। अनशन कितने दिन हो गए आपका? 5 दिन हो गए और आगे भी जारी रहेगा जब तक ये प्रदेश की सरकार, जब ये प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हठधर्मिता जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे।